इच्छा ये है कि मैं जो मेरे फैंस हैं जो दर्शक हैं उनके सामने फिर से आऊं। डांसिंग और एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी मुझे दिलचस्पी है। एक एक्टर हैं जो जिनको मैं बहुत अलग रूप में देखती हूं और उनके परफॉर्मेंसेस मैं इसलिए एंजॉय करती हूं क्योंकि वो बहुत रिस्क लेते हैं और दैट इज़ आयुष्मान खुराना। मैं इतने साल अमेरिका में रहने के बाद इंडिया वापस आई हूँ और अब ये है 2023 और मेरी इच्छा ये है कि मैं जो मेरे फैंस हैं जो दर्शक हैं उनके सामने फिर से आऊँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो आज इंडस्ट्री काफ़ी फैला हुआ है, बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन वेब स्टेज अपीयरेंसेस एंडोर्समेंट्स इतने सारे एवेन्यूज़ हैं और जिन किसी से भी मैं मिली हूँ मुझे अच्छा बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है और बस अब इंतज़ार है कि मैं कब दर्शकों के सामने एक्चुअली आऊँगी। अभी कौन सा ये करना है, मतलब आपके डांस के रिलेटेड आप ये सब देख रहे हैं? मैं आज के तारीख कुछ स्पेसिफिक बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए जब मैं अपना पहला कदम आगे रखूँगी और बहुत जल्द कुछ अच्छी खबर आएगी। कुछ आप सिंगिंग के दौरान कुछ सिंगर का ये रहना चाहिए? जी हाँ, मैं डांसिंग और एक्टिंग के अलावा सिंगिंग में भी मुझे दिलचस्पी है एंड आई वॉन्ट कि वो भी मैं लोगों के सामने ले आऊँ। फिल्म और वेब सीरीज और फिल्म के दौरान आप कौन सी फिल्म में भी आप आना चाहते हो, कौन सी फिल्म लगी आपको चाहिए, हिंदी मराठी या कुछ? आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों काफ़ी यूज़ होते हैं वेब में और ठीक ठीक कहूँ तो ये अनाउंसमेंट जब फाइनल हो जाएगी तब सबके सामने आएगी। आपका जो दौर रहा था पिछले सब बीच में तो छोड़ के आप परदेश में गए थे, उस टाइम का जो उस वक्त था वो सबके लिए वो आपके लिए कैसा था? मेरा पहला दौर फिल्मी दुनिया में 15 साल का था, 80 फिल्में बनाई, उसमें से काफ़ी फिल्में हिट हुई और कुछ फिल्मों के लिए लोगों ने मेरा काम पसंद किया। आई थिंक ऑल इन ऑल मैंने बहुत एंजॉय किया, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे जो बहुत ही नामवर हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब की बार भी मेरी एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे। अभी के बॉलीवुड फिल्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो उस ज़माने के तो फिल्म और इसमें क्या क्या तुलना करोगे, आपके आपके दौर के जो फिल्म थे और अभी के फिल्म उसके में आप कैसा देखते हैं? मैं कोई डिफरेंस आई थिंक प्रेजेंटेशन में है और स्टोरी आइडियाज़ में है। अभी लास्ट में आपने कौन सी फिल्म देखी है, मतलब इस अभी की? मैंने वो रॉकी और रानी वो फिल्म देखी लास्ट थिएटर में, बहुत एंजॉय किया। और इस दौर का आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो कोई एक ऐसा नहीं है, इस दौर नहीं कोई एक फेवरेट हीरो नहीं है, बहुत सारे मुझे अच्छे लगते हैं। किसकी फिल्म अच्छी है, वो जो सलमान शाहरुख या इसके ये जो है सब इसके उसमें किसकी फिल्म आपको अच्छी लगती है? मुझे फिल्म अच्छी लगती है जो अच्छी बनी हो, ऐसे कोई नहीं है कि यही एक्टर मुझे पसंद है या वही एक्टर, पर हाँ एक एक्टर हैं जो जिनको मैं बहुत अलग रूप में देखती हूँ और उनके परफॉर्मेंसेस मैं इसलिए एंजॉय करती हूँ क्योंकि वो बहुत रिस्क लेते हैं और दैट इज़ आयुष्मान खुराना। क्या आपके आपके साथ में अगर आपके कोई
फैमिली मेंबर कोई आपके साथ इंडस्ट्री में आने वाले नहीं थे? मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरा बेटा ज़रूर है जिसको ये अच्छा लगता है, पर वो आएगा या नहीं वो मैं नहीं कह सकती। फ़िलहाल वो बिज़ी है अपने कॉलेज के एजुकेशन में।